आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिमान व्यक्ति के 10 लक्षण के बारे में, यानी कि 10 साइंस ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या साइंस पाए जाते हैं, क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो हम आपको 10 साइंस बताएंगे, 10 लक्षण बताएंगे। अगर ये लक्षण 5 से ज्यादा आपके साथ मैच करते हैं तो समझ जाइए आप इंटेलिजेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 5 से ज्यादा साइंस मैच किए या नहीं किए। पहला साइन, पहला लक्षण कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सामाजिक नहीं होता। ये ज्यादा सामाजिक नहीं होते, ज्यादा सोशल नहीं होते। इनको सबके साथ यूं ही रहना पसंद नहीं होता। ये बेकारन नहीं रहते, ये ना ही बेकारन किसी के साथ रहते हैं, ना ही बेकारन रहना एक्सपेक्ट करते हैं, ना इनको पसंद होता है। ये लोग बहुत ही कम दोस्त बनाते हैं, इनकी दोस्ती बहुत ही कम होती है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 दोस्त बनाते हैं, लेकिन जो भी दोस्त बनाते हैं वो बहुत ही खास होते हैं। ये अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर होते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं समय आने पर, लेकिन ये ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं कि इनके दोस्त भी इनके काम आए, जब इनको जरूरत हो तो इनके दोस्त इनका साथ निभाएं। लेकिन होता क्या है कि जब इनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। ये लोग हेल्पफुल होते हैं, ये लोग दूसरों की भलाई करना चाहते हैं और इनको अच्छा भी लगता है। जरूरी नहीं है कि आप इनकी भलाई करें तभी आपकी भलाई करेंगे, ये किसी अनजान व्यक्ति की भी भलाई कर देते हैं यूं ही बेकारन। इनको भलाई करना अच्छा लगता है लेकिन रिटर्न में भलाई मिलती नहीं है। आप इनके कितने ही बड़े दुश्मन हो, आप इनके लिए कितना ही बुरा कर दें, लेकिन जब ये लोग आपको किसी मुसीबत में देखते हैं ना तो अपना हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हट पाते और आपकी हेल्प और भलाई कर ही देते हैं। बेशक आप इनको बाद में कितना ही भला बुरा कह देना, लेकिन इनको भलाई करना अच्छा लगता है, किसी को दुख में नहीं देख सकते। ये बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, इनको बहुत जल्दी दया आ जाती है, ये किसी को परेशानी में नहीं देख सकते और यही एक कारण है कि हेल्पफुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया कि इनके ज्यादा दोस्त नहीं होते तो ये घर पे भी ज्यादा सबसे मिलजुल कर नहीं रहते। हाँ, जब काम होता है तो बोल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। सवाल उठता है कि ये लोग अकेले में करते क्या हैं? तो ये अकेले में या तो खुद से बातें करते हैं या तो ज्यादा सोचते रहते हैं, कुछ भी पुराना नया या अभी का जो भी सोचते हैं बस सोचते रहते हैं। इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। वैसे ये लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, बहुत ही चुनिंदा होते हैं। ये लोग चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करते हैं, चाहे दोस्ती का या बाकी चीजों का, ये सोच समझ कर ही सिलेक्शन करते हैं। ये यूं ही किसी भी चीज को पिक नहीं करते, यूं ही किसी से दोस्ती नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आप इनसे दोस्ती करने आए, हाय हेलो हो गया, उन्होंने आपसे दोस्ती कर ली। जी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत। ये लोग बहुत ही समय के बाद दोस्ती निभाते हैं और दोस्ती करते हैं, लेकिन एक बार दोस्ती कर लेते हैं ना, फिर तो समझ जाइए बहुत ही अच्छा दोस्त आपको मिल चुका है। दूसरा साइन बुद्धिमान व्यक्ति का कि ये लोग खुद से बातें करते हैं और ज्यादा सोचते हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी आदत होती है, बुरी नहीं, अच्छी आदत होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी किसी के साथ तू तू मैं हो गई, बहसबाजी हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई, नोकझोंक हो गई, तो अगर आप उनके साथ अपनी भड़ास निकालेंगे तो आपकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी और हो सकता है आने वाले समय पे ये आपको ही खाए जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, उस समय रिएक्ट नहीं करते, मगर घर पर आकर सोच रहे होते हैं कि मैं उसको ये भी बोल सकता था, जब उसने ऐसा बोला था तो मैं उसको ऐसा बोल देता तो उसको करारा जवाब मिल जाता और कितना मजा आ जाता। मैं उसको अगली बार अगर उसने ये कहा तो मैं अगली बार ये कहूंगा, फिर वो ये कहेगा, उसके बाद फिर मैं ऐसा जवाब दूंगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये पुरानी चीजों को भी याद करते हैं और नई चीजों को भी याद करते हैं। पुराने समय पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में विचार कर रहे होते हैं और फ्यूचर के बारे में भी कि कल मैं अगर यहां जाऊंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये खरीदूंगा, इसके साथ जाऊंगा, इसके साथ बातें करूंगा, कैसे बात करूंगा, कहां बात करूंगा, बहुत सोचते हैं, पुराना भी और नया भी। ये लोग मुसीबत से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इनको ना तो ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद होती है और ना तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा। ये लोग ज्यादा चैचे पैपे में नहीं रहते। आपने देखा होगा कि एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बकर बकर कर रहे होते हैं। ये लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनको ज्यादा मुसीबत झेलना पसंद नहीं है, इनको ज्यादा बकर बकर करने वाले लोग पसंद नहीं है। इन लोगों का एक रूल होता है कि अकेले रहूंगा मगर सुखी रहूंगा। बेशक मुझे सिंगल रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, मगर मुझे खुश रहना है, मुझे सुखी रहना है, मैं कोई मुसीबत नहीं झेलना चाहता। साइन नंबर 3 कि ये लोग पॉजिटिव होते हैं, ये लोग सकारात्मक विचार के होते हैं, सकारात्मक सोच
सोच के होते हैं। ये हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, मगर कई बार ढूंढना चाहते नहीं है तो ये बुराई भी ढूंढ लेते हैं। इनकी एक अच्छी आदत ये होती है कि आप कितने ही बुरे हों, आपके अंदर ये कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। इन लोगों को ज्यादा चुगली करना पसंद होता नहीं है। इन लोगों के सामने आप चुगली करेंगे तो ये लोग आपको चुप करा देंगे ये कहकर कि छोड़ना यार, उसकी जिंदगी उसको करने देना, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये लोग ज्यादा बुराई नहीं करते, कभी कभार करते हैं जब हद से ज्यादा पानी गुजर जाता है तभी, लेकिन ये अच्छाई करना जानते हैं। ये लोगों की अच्छाई करते हैं, ये लोगों में अच्छाई देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग भी इनमें अच्छाई देखें, मगर होता क्या है आपको पता है ना, लोग इनमें अच्छाई नहीं देख पाते और इनको ना बुरा समझ लेते हैं। इनकी अक्सर यही शिकायत होती है कि लोग मुझको समझते नहीं है, मैं उनके लिए कितना कुछ कर जाता हूं या कर जाती हूं, मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं, सब कुछ करती हूं, लेकिन लोग मुझको समझते नहीं है। इनकी रिलेशनशिप में भी बहुत सबसे मतलब बहुत परेशानी होती है कि लोग इनको समझते नहीं है, मेरा पार्टनर मुझको समझता नहीं है, वो हमेशा मेरे बारे में ये कहता रहता है, वो कहता रहता है। ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि लोग इनको समझें। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये दयालु होते हैं, जिस तरीके से ये दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग भी इनकी गलतियों को माफ कर दें, मगर ऐसा नहीं हो पाता। ये चाहते हैं कि लोग इनके जैसे हो जाएं, दुनिया इनके जैसी हो जाए, जैसे ये सब में अच्छाई देखना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, ऐसे दुनिया भी अच्छाई देखे, पॉजिटिव हो जाए, लेकिन कोई अच्छा है ही नहीं इनके अनुसार। ये लोग बहुत ही कम लोगों में अच्छाई देख पाते हैं और जिनमें भी अच्छाई देखते हैं उनको अपना अच्छा दोस्त बना लेते हैं, और दोस्त इनके दो चार तो होते ही हैं, यानी कि अच्छाई भी दो चार लोगों में ही देखते हैं ये। फोर्थ साइन कि इन लोगों की हैंडराइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर अच्छी नहीं होती। हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो और आप बुद्धिमान भी हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, वो बुद्धिमान भी है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 80-90% लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती जो लोग बुद्धिमान होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये लोग ज्ञानी नहीं होते। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनकी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं होती मगर वो बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान किस तरीके से? क्लास में, पढ़ने में, ज्ञान में। ज्यादातर लोगों की चीजें बिखरी रहती हैं, इनके घर के आसपास की चीजें बिखरी रहती हैं, इधर उधर बेड पे पड़ी रहेंगी, टेबल पे पड़ी रहेंगी, ये लोग उसको समेटते नहीं है। बाकी लोग देख के कहते हैं कि इसके लिए कितनी असुविधाजनक चीज है ये, इसको चीजें मिल कैसे जाती होंगी, लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होती है। बाकी लोग जहां इन चीजों को बिखरा हुआ समझते हैं, ये समझते हैं कि ये चीजें इनके लिए सही हैं, ऐसे बिखरी हुई चीजें ही इनको जल्दी मिल जाती हैं, और अगर ये चीजों को समेट कर रखना शुरू कर देते हैं, अच्छा दिखाना शुरू कर देते हैं, तो इनको चीजें मिलती ही नहीं। ये भुलक्कड़ भी थोड़े होते हैं। भुलक्कड़ कब? जब ये चीजों को समेटने लग जाते हैं, लेकिन जब चीजें बिखरी होती हैं बाकी लोगों के अनुसार, तो इनके लिए वो चीजें एकदम सही होती हैं, एकदम परफेक्ट प्लेस पे होती हैं। इनके बेड पे ज्यादातर चीजें रखी रहती हैं, खाने पीने का सामान, फोन, लैपटॉप, ये जो भी चीज ये यूज करते हैं, ज्यादातर ये इनके आसपास बेड पे ही बिखरी रहेंगी। बुक्स हो गई, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, जो भी हो गए, सब बिखरे रहेंगे। साइन नंबर 5 कि इंटेलिजेंट व्यक्ति इमोशनल होते हैं। ये बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने इमोशनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, तो बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए इस वीडियो के बाद, जिसमें मैंने उसमें ये भी बताया कि जो इमोशनल होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा वो इमोशनल ज्यादातर होगा ही होगा। ये लोगों को दिल की बात बहुत जल्दी टच कर जाती है, किसी की बातों को जल्दी बुरा भी मान जाते हैं और जल्दी अच्छा भी मान जाते हैं। छोटी सी तारीफ इनको बहुत बड़ी तारीफ लगने लग जाती है कि आपने पता नहीं क्या कह दिया है। छोटी सी बात इनको कई बार चुभ जाती है, दिल में धक्का दे देती है, ये सोचने कि इसने कितनी बड़ी बात कह दी, हालांकि उस व्यक्ति ने ऐसे यूं ही कोई बात कह दी होगी, लेकिन इनको बात बहुत ही बड़ी लग जाती है और बहुत जल्दी चुभ जाती है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाना जानते हैं। छोटी सी बात जब इनको चुभती है तो इनके आंख में आंसू आ जाता है, पानी आ जाता है। ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको समझे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पर लोग इनको समझते नहीं है, और जब लोग इनको समझते नहीं है तो ये सोचते हैं कि कोई मुझको समझता नहीं है, मैं कितना इमोशनल हूँ, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, और आंसू फिर बहाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की एक आदत होती है कि खुद को एक ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जो कि शायद हुई भी नहीं थी, मगर ऐसी परिस्थिति में डालकर खुद के लिए ही दया दिखा रहे होते हैं। बात इतनी बड़ी नहीं होती, मगर सोच सोच कर उसको बड़ा कर देते हैं कि लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, लोग मेरे साथ ये करते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद क्या आंसू बहाते हैं ये। कई लोगों का तो ऐसा भी देखा गया है कि जब तक ये रात में आंसू ना बहाएं तब तक इनको नींद भी नहीं आती। इन लोगों का मानना होता है कि आंसू बहाकर नींद बहुत अच्छी आती है, एक संतुष्टि मिलती है। तो ध्यान रखिए, ज्यादा रोना
अच्छी बात नहीं होती तो ज्यादा रोइए मत। पॉइंट नंबर 6 कि ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, ये लोग विश्वास जल्दी नहीं करते और ज्यादा नहीं करते। इन लोगों का मानना है कि लोग जब विश्वास तोड़ ही देते हैं तो उन पे विश्वास करें ही क्यों, लेकिन कैसे भी करके विश्वास कर ही लेते हैं और अपना विश्वास तुड़वाते ही रहते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें कि लोग इनका दिल ना तोड़े ना तोड़े, कितना भी अपने आप को सजग कर लें, लेकिन इनका दिल टूट ही जाता है। ये लोगों को ऐसे दिखाते हैं जैसे कितने कठोर हैं, अबे क्योंकि अंदर से इमोशनल है, अंदर से बहुत ही नाजुक से हैं, सॉफ्ट से हैं, और ये चाहते नहीं हैं कि लोगों को ये पता चले कि ये सॉफ्ट हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर लोगों को पता लग गया कि मैं सॉफ्ट हूं तो लोग मेरा यूज करेंगे, लोग मेरा फायदा उठाने लगेंगे। तो लोगों को दिखाते हैं मैं कितना कठोर हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन सच मायने में बताऊं आपको भी पता होगा कि आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप लोगों को कितना ही दिखा दें कि आपको छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता, आप इमोशनल नहीं, आपको छोटी छोटी बातें टच नहीं करती, लेकिन सच मायने में तो आप बहुत नाजुक हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। साइन नंबर 7, ये बहुत रोमांटिक होते हैं, ये बहुत रोमांटिक होते हैं। दुनिया के अनुसार इनको बिल्कुल रोमांस अच्छा नहीं लगता, ये लोग बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, ना ये रोमांस को समझते हैं ना प्यार को समझते हैं। ये भी कई बार ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मुझे प्यार मोहब्बत पसंद नहीं है, रोमांस क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सच मायने में आपको भी पता है कि आप बहुत रोमांटिक हैं, आपको बहुत ज्यादा रोमांस पसंद है। आपको कई बार कोई मूवी और कोई सीन इतना ज्यादा रोमांटिक लगता है कि आप अपने आप को उसमें देख रहे होते हैं, रात को सोने से पहले उस सीन में अपने आप को डालते हैं और सामने वाले पार्टनर को जानते हैं और डालते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। आप इमेजिन कर रहे होते हैं ना कि किस तरीके से सेम चीज आपका पार्टनर आपके लिए करेगा, फिर आप कैसे उसको रिएक्ट करेंगे, आप उससे कैसे बोलेंगे, जब आप उसके लिए चीजें करेंगे तो वो क्या कहेगा, आप क्या कहेंगे, उस सीन में अपने आप को इमेजिन करते हो ना, तो रोमांटिक तो हुए तो छुपाते क्यों आप? कोई नहीं, जैसे वो वैसे ही रहो, छुपाते रहो, क्योंकि दुनिया को अगर पता लग गया ना तो दुनिया धोखा बड़ी जल्दी दे देगी। अब क्योंकि ये रोमांटिक होते हैं तो इनको ज्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स भी पसंद होते हैं और रोमांटिक मूवीज भी पसंद होती हैं। इनको ज्यादातर एक्शन मूवीज पसंद नहीं आती जो मार धाड़ की होती हैं, शोर शराबे वाली नहीं, ये सब पसंद नहीं आती। इनको एकदम पीस वाली मूवी पसंद आती है, थोड़ी रोमांटिक हो, उसमें कुछ ना कुछ एक गुण हो, उसमें कुछ ना कुछ सिखाया जाए, उसमें एक ज्ञान हो। ये चाहते हैं कि मूवी में एक शिक्षा दी गई हो, एक सीख दी गई हो, जिससे लोग अवेयर हो सके, लोगों को कुछ सीखने को मिले। साइन नंबर 8 कि इनको कुछ ना कुछ नया सीखना अच्छा लगता है, ये नया सीखते रहते हैं। इनके अनुसार कोई भी ज्ञान वेस्ट नहीं जाता, कोई भी ज्ञान ऐसे ही नहीं होता, उसका कोई ना कोई काम तो जरूर ही होता है। इनका मानना है कि कुछ भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी वो ज्ञान काम तो आएगा ही, तो कुछ भी सीख लो, चाहे वो आपके मतलब का हो और चाहे ना हो, अरे किसी ना किसी चीज से सीख ही जाते हैं। ये व्यक्ति इससे और व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं, क्योंकि अच्छाई भी देख लेते हैं, बुराई भी देख लेते हैं, तो इनको पता होता है क्या चीज सीखने वाली है और क्या चीज नजरअंदाज करने वाली है। साइन नंबर 9 जो कि थोड़ा अटपटा है कि ये लोग बहुत आलसी होते हैं, इन लोगों को आलस बहुत पसंद होता है, ये कामचोर भी होते हैं, ये हर चीज में शॉर्टकट लगाना जानते हैं, इनको आलस बहुत पसंद होता है। ये नहीं चाहते कि इनको हर वक्त काम करने के लिए कहो, ये लोग काम करवाना जानते हैं, काम करना नहीं। इनका एक रूल होता है कि जिंदगी में लोगों से काम करवाने वाला काम करो, काम करने वाला नहीं। ये चाहते हैं कि लोग इनके अंडर में काम करें, लोगों से काम करवाएं, लोगों को बताएं। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं कि काम कैसे होता है, इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये काम कैसे होगा, लेकिन ये करना नहीं जानते। ये नहीं चाहते कि ये काम इनको करना पड़े, और ये बता सकते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, और वो एकदम सही फैसला होता है, लेकिन ये काम कर नहीं सकते। एक और उटपटांग आदत होती है कि इन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, ये अपने नाखून को अपने दांत से काटते रहते हैं, उसको सही करते रहते हैं, यूं ही काटते रहेंगे, मतलब अकेला जब रहते हैं ना तो कुछ भी ना कुछ करते ही रहते हैं, तो अपने नाखून को ही काट लेते हैं। साइन नंबर 10 कि इंपल्सिव जेम्स की वीडियो को लाइक करते हैं और उसको शेयर जरूर करते हैं, ये लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं उसमें से 5 से ज्यादा आपके साथ मैच करते हैं या नहीं करते। और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बाकी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइएगा जरूर।